Assalamu alaikum everyone, I hope you would be fit and fine. So today I have come along with the 15th lecture of level 1. आज हम 15th lecture की बात करेंगे और 15th lecture में आज हम सीखेंगे preposition of time के बारे में. Preposition पहले मैं आपको बता देता हूँ कि preposition भी कहते हैं और preposition भी कहते हैं, ठीक है. Preposition होता क्या है, आपने छोटे छोटे अल्फाज सुने होंगे जैसे in, on, at, from, to, among, between, on the left, on the right, opposite, behind, beneath, down, up, ये सब क्या कहलाए जाते हैं, ये prepositions कहलाए जाते हैं, ठीक है. Preposition दो किस्म के होते हैं, एक होता है preposition of time और एक होता है preposition of place. तो सबसे पहले आज हम 15 lecture में preposition of time के बारे में सीखेंगे. राइट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में जो आज हम प्रीपोजिशन सीख रहे हैं, जो सबसे बुनियादी प्रीपोजिशंस हैं वो कौन से हैं, बेसिक प्रीपोजिशंस इन, ऑन, एट, फ्रॉम और टू. राइट, सबसे पहले हम इन की बात करेंगे. प्रीपोजिशन इन हम यूज़ करते हैं लॉन्गर वर्जन ऑफ टाइम के साथ. जब कोई भी लॉन्गर वर्जन ऑफ टाइम होगा उससे पहले हम प्रीपोजिशन इन लगाएंगे. लॉन्गर वर्जन ऑफ टाइम क्या होता है, एक दिन से ज़्यादा का टाइम. अब एक दिन से ज़्यादा क्या होता है, वीक होता है, मंथ होता है, ईयर होता है, सीज़न होता है, ये एक दिन से ज़्यादा का टाइम होता है. तो जब हम एक दिन के ज़्यादा का टाइम बताएंगे तो हम इन यूज़ करेंगे. राइट, जैसे अगर मंथ की बात हो रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो हम उससे पहले इन लगाएंगे. अगर किसी को जनवरी मेंशन करना हो, मार्च मेंशन करना हो, तो हम इन कहेंगे, इन जनवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन लगाएंगे और नहीं लगाएंगे. इसी तरह अगर ईयर्स की बात हो, जैसे यू नो सेंचुरी से लेकर जिस ईयर की भी बात हो, जैसे इन 2000, इन 2001, इन 2023, इन 2025, इन 1992, इन 1947, इन 1956, या इन 2013, इन 2014, इस तरह से. तो ईयर्स के साथ भी इन लगता है, मंथ्स के साथ भी इन लगता है. इसी तरह सीजन्स के साथ भी इन लगता है, जैसे इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग. इसी तरह यू नो जो भी लॉन्गर वर्जन ऑफ टाइम होगा, यानी एक दिन से ज़्यादा का टाइम होगा, तो उसके साथ हम इन यूज़ करते हैं. राइट, जैसे यू नो इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी, या इसी तरह इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, इन द सेकेंड वीक ऑफ मार्च. तो वीक, मंथ्स, ईयर्स, सीजन, सब के साथ हम इन यूज़ करते हैं. उसके बाद है ऑन. ऑन हम यूज़ करते हैं शॉर्टर वर्जन ऑफ टाइम के साथ. शॉर्टर वर्जन क्या टाइम होता है, जैसे दिन है, एक दिन के जितने भी यू नो नाम होंगे उसके पहले हम ऑन यूज़ करें. इन ऑन किस तरह यूज़ करते हैं, जैसे एक दिन के नाम क्या क्या है, जैसे वीकडेज आप ले लें, ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे. इसी तरह डेट्स देख लें आप, जैसे मंथ्स के डेट्स होते हैं, मंथ्स के साथ तो हम इन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर एक डेट की बात हो रही हो तो फिर हम ऑन यूज़ करेंगे. जैसे ऑन फर्स्ट मार्च, ऑन सेकेंड मार्च, ऑन थर्ड मार्च, ऑन फर्स्ट अप्रैल, ऑन सेकेंड अप्रैल, ऑन थर्ड अप्रैल. इसी तरह ऑन फर्स्ट मई, ऑन सेकेंड मई, ऑन थर्ड मई, लाइक दिस. इसी तरह ओकेजन्स हैं, जैसे एक दिन के जो ओकेजन होते हैं, ऑन रिजल्ट डे, ऑन बर्थडे, ऑन वेडिंग डे, ऑन एनिवर्सरी डे, यू नो ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन हॉलीडे, ऑन दिवाली डे, ऑन ईद डे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन गुड फ्राइडे, लाइक दिस. तो ऑन हम यूज़ करते हैं शॉर्टर वर्जन ऑफ टाइम के साथ. उसके बाद एट, तब हम एट की बात करेंगे. एट यूज़ होता है क्लॉक टाइम के साथ. जैसे जब आप क्लॉक टाइम की किसी को बात करें, जैसे आई विल कम एट 3 o'clock, आई विल कम एट 3:15, आई विल कम एट 3:20, आई विल कम एट 3:40, या आई विल कम एट 3:15, या आई विल कम एट यू नो 3:50, लाइक दिस. तो एट हम यूज़ करते हैं क्लॉक टाइम के साथ. इसके बाद आ जाते हैं फ्रॉम और टू. फ्रॉम हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग टाइम के साथ और टू हम यूज़ करते हैं एंडिंग टाइम के साथ. अब चाहे वो कुछ भी हो, आर हो, डे हो, मंथ हो, ईयर हो, लॉन्गर हो, शॉर्टर हो, फ्रॉम हम यूज़ करेंगे स्टार्टिंग टाइम के साथ और टू हम यूज़ करेंगे एंडिंग टाइम के साथ. जैसे आई टेक माय लेक्चर्स फ्रॉम 3 o'clock, अब स्टार्टिंग टाइम 3 o'clock है, टू 6 o'clock, 6 बजे तक.
राइट आई गो टू इनोवेटिव एट यू नो आई गो टू इनोवेटिव अगर मैं एक टाइम पर जाता हूँ तो एट यूज़ होगा, लेकिन अगर मैं टाइमिंग बताऊँ कि इस टाइम से इस टाइम तक जाता हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों बताओ, आई गो टू इनोवेटिव फ्रॉम 2 o'clock टू 10 o'clock लाइक दिस, ठीक है जी। इसी तरह फ्रॉम संडे टू मंडे, फ्रॉम संडे टू सैटरडे, इसी तरह फ्रॉम जनवरी टू मार्च, इसी तरह फ्रॉम 2000 टू 2004। तो फ्रॉम हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग टाइम के साथ और टू हम यूज़ करते हैं एंडिंग टाइम के साथ। आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ इंशाल्लाह वी विल बी एट एनी अदर लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय एंड हैस्टा ला विस्टा। थैंक यू।